गंगा प्रसाद शर्मा, हमारा सुमन कंजीलाल जो एमएलए है, नारायण सिन्हा जेपी मेंबर है, अरूप विश्वास हमारा साथी है, स्निग्धा साहा सभाधिपति है, इधर में ज्योत्सा मुंडा है, बाबलू कौर है, कौशिक सरकार है, प्रसन्नजीत है, बहुत सारे नेता है, विशाल गुरुंग है, संजीत धर है, हम सबको नाम नहीं कह सकता, इसी के लिए कि वक्त है, वक्त गुजर जा रहा है, टाइम थोड़ा कम है आज, हमारा और भी थोड़ा काम है आज, इसी के लिए मैं पहले हमारा भाइयों और बहने को, हमारा माताजी को, पहाड़ में रहने वाले जो चाय बगान का मजदूर हो, जो तराई डुवर्स का रहने वालों, जो अलीपुर द्वार का वासी हो, मैं आप लोगों को सबको नमस्कार कहती हूँ, ईद मुबारक कहती हूँ, जोहार कहती हूँ, दंडवत कहती हूँ, नमस्ते कहती हूँ, सलाम कहती हूँ। और हमारा जो युवा पीढ़ी है, छात्र पीढ़ी है, उसको हम बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। हम लोगों को हर तरह देखता है, बहुत मुश्किल से इलेक्शन करने पड़ता है, एक तरह 3 महीना का इलेक्शन का रूटीन दिया, जैसा बीजेपी तैयार कर दिया, लोगों का तकलीफ ये लोग नहीं देखता, बीजेपी का किसमें सुविधा होगा वही देखता, कि देश में आज तो कोई आवाज नहीं है ना, विरोधी पार्टी का जो आवाज है उसको मोदी ने छीन लिया, किसी को आवाज करना नहीं आता, जो आवाज करते हैं उसको जेल में भर देता, हमारा जो ऑफिसर काम करते हैं अच्छा से, दंगा निभाते हैं, उसको ट्रांसफर कर देते हैं, और जो सीबीआई का चोर ऑफिसर है, ईडी का चोर ऑफिसर है, बीएसएफ का चोर ऑफिसर है, जो गोली चलाते हैं, जो रुपया लेते हैं, ये लोगों को खिलाफ में वो कुछ नहीं करते हैं, एजेंसी देखे इलेक्शन करते हैं। मैंने बहुत प्रधानमंत्री देखा, लेकिन ऐसा प्रधानमंत्री मैंने कभी नहीं देखा। मैं अटल जी का साथ भी काम किया था, लेकिन उन्होंने एक अच्छा इंसान था, और अभी जो देश का प्रधानमंत्री है वो तो देश को बेच रहा है। आपका पता है पहले क्या कहा था, कि आप लोग वोट दो आपका चाय बगान हम खोल देंगे, खुला था क्या चाय बगान का मजदूर भाई बहनों, खुला था, कहा था 15 लाख करके सबको पॉकेट में हम दे देंगे, काला रुपया वापस ले आएंगे, काला रुपया वापस आया, 15 लाख रुपया आपको मिला, 15 लाख छोड़ो 50,000 मिला, अभी भी वही झूठा वही झुमला, 5 साल तो ओसी का एमपी था, हमारा तो नहीं था, पूरा नॉर्थ बंगाल काम किया हमने और जीता बीजेपी ने, क्या दिया आप लोगों को, कुछ भी नहीं दिया, आज बिना आज मुफ्त में चावल हम देते हैं, लक्ष्मी भंडार हम देते हैं, चाय बगान का पट्टा हम देते हैं, लाइन में जो चाय बगान में काम करते हैं उसको हम जरूर पट्टा देंगे, और 1,20,000 रुपया घर बनाने के लिए भी देंगे। आज हमारा चाय बगान हंस रहा है, 59 चाय बगान हम लोगों ने खोला, बीजेपी ने नहीं, ये बात याद रखना दोस्तों,
आज अलीपुरद्वार नया जिला नया डिस्ट्रिक्ट बना दिया, डुअर्स कोना बना दिया, नया सब डिविजन, उधर में हिंदी कॉलेज, उधर में ऑल चिकी लैंग्वेज, छात्री भाषा में भी आने वाला दिन सिलेबस हो जाएंगे तो 100 स्कूल करने का इच्छा हम लोगों का है। हम चाहते हैं आप लोग एक रहे, अच्छा रहे। हमारा लक्ष्मी भंडार देखा रहे, उसका सिंबल है और लक्ष्मी भंडार का है काम, ओ सिंबॉलिक एक बना गया, मेरे को पास भी एक आया। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। तो आप लोगों को ये दफे अब चाहते हैं बीजेपी दिल्ली से हट जाए, अगर नहीं जाता है तो जान लो कल जो मैनिफेस्टो है लोग बनाया, इसमें कहते हैं एनआरसी करके निकाल देगा। क्या क्या है, हम लोग नागरिक नहीं है, उन्होंने खुद होम मिनिस्टर ने कहा। क्या है इसका मतलब, कोई नागरिक नहीं है, हम लोगों को कोई अधिकार नहीं है, हम वोट देते हैं, हम काम करते हैं, लड़का लड़की लोग स्कूल में जाते हैं, चाय बागान में काम करते हैं, कोई किसान का काम करते हैं, कोई आशा का काम करते हैं, कोई ICDS का काम करते हैं, कोई यूथ दुकान बनाते हैं, कोई रिक्शा चलाते हैं, कोई टोटो चलाते हैं, कोई चाय दुकान में काम करते हैं। क्या बोला होम मिनिस्टर, बालूरघाट में जाके बोला, बेलूरघाट नाम ही पता नहीं है, छोड़ो ये तो छोटा बात है, लेकिन क्या बोला, हम सबको लौट के देंगे। हम बोलो तुम लौट के क्यों देंगे, हम तुमको वोट में झटके देंगे, तुमको हिंदुस्तान में आने वाला नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड मैनिफेस्टो में लिखा, आपको पता है इसका मतलब क्या है, आप लोगों को कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, चाहे तपोसिली हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे राजवंशी हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे भूमिजो हो, चाहे कमतापुरी हो, चाहे नेपाली हो, चाहे गरखा हो, किसी का कुछ नहीं चलेगा देश में, देश का आज़ादी बर्बादी हो जाएगा, आपका धर्म का आज़ादी बर्बादी हो जाएगा, आपका खाना पीने का अधिकार बर्बादी हो जाएगा। आप क्या चाहते हैं, मोदी देश को बेच दे, चाहते हैं आप? अगर नहीं चाहते हैं तो मोदी को हटा दो, देश बचाओ। मोदी हटाओ, देश बचाओ, एक ही स्लोगन है, एक ही नारा है, गली गली में शोर है, बीजेपी बड़ा चोर है। माँ बहन का कहना है बीजेपी बड़ा चोर है, छात्र युवकों को कहना है बीजेपी बहुत बड़ा चोर है। जो चोर है सब बीजेपी में जाकर नाम लिखाता है, किसी के लिए ईडी नहीं छुएगा, CBI नहीं छुएगा, इनकम टैक्स नहीं छुएगा, NIA नहीं छुएगा। अरे तृणमूल अगर चोर होता तो तृणमूल को जेल जाने पड़ता, खेजरी अगर चोर होता तो उसको जेल जाने पड़ता। हमारा बहुत सारे लड़का लोगों को जेल में भेज दिया, आज हमारे एक DIG को भी मुर्शिदाबाद रेंज में चेंज कर दिया बीजेपी का बातों पे। अगर मुर्शिदाबाद मालदा में दंगा हो जाए तो इसको जमींदारी इलेक्शन कमीशन को लेना होगा, कि हमको पता है कौन दंगा संभाल सकता है। आप जानबूझ के बीजेपी का बात पे आप चुन चुन के ऑफिसर चेंज करते हैं पश्चिम बंगाल में, इसी के लिए कि जैसे बीजेपी का मौका मिले, अगर दंगा एक भी हो हम आपको पकड़ाएगा कि हमारा स्लो एंड ऑर्डर अब इलेक्शन कमीशन आप देख रहा है, आप हमारा बात नहीं सुन रहा है। कोई भी खुश हो जाए, ए बात याद रखना,
हम अगर किसान के लिए 26 दिन हंगर स्ट्राइक कर सकता है तो आपका ऑफिस में भी हम 92 दिन आपका उधर में भी हम बैठ सकता है, देखता है कितना जेल है, कितना पुलिस है, कितना पीटोगे हमको पास में। मैंने बहुत गोली देखा, बहुत डंडा का बाड़ी मैंने खाया, मैं इसमें डरते नहीं है, मैं लड़ते जानते हूं, मैं डरपोक नहीं हूं, मैं काफिर नहीं हूं, मैं कवर्डाइज नहीं हूं, आमी भीतु नई मुने रखबेन, हम लड़ेंगे, हम खेलेंगे, हम करेंगे, हम जीतेंगे, हम बीजेपी को हटाएंगे, ये तृणमूल कांग्रेस का वादा है। এই জন্য আপনাদের বলবো, আলিপুরদুয়ারের সব জায়গার মানুষ আপনারা বলুন, আমাকে আপনারা পান না, আমি কতবার করে আসি, যা যা বলেছেন আলিপুরদুয়ারে সবটাই করে দিয়েছি, যদি কিছু বাকি থাকে বলবেন আবার দেখে দেব, ফালা কাটাটা আমি ইলেকশনের পরে আবার আসব, ওখানেও ইন্ডাস্ট্রিয়াল সেন্টার চলছে, ইন্ডাস্ট্রিয়াল গ্রোথ সেন্টার হচ্ছে, আলিপুরদুয়ারে জমি কতদিন পাট্টা পায়নি লোকে আমি সলভ করে দিয়েছি, উদ্বাস্তু লোকেদের জমি দিয়ে দিচ্ছি, চায় বাগান সবকো হাম জমি দে রা হ্যায়, সাত সাত মে চায় সুন্দরী ঘর আপ খুদ বানাও, আপকা পাট্টা কা জায়গা মে আপকো 1,20,000 ভি মিলেগা উসপে আপ বানাও। জলপাইগুড়ি আলিপুরদুয়ারে যাদের বাড়ি ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন, সরকার ইতিমধ্যে বলে দিয়েছেন বাংলার বাড়ি করতে যে টাকা লাগে দুটো কিস্তিতে দেওয়া হয় সেই টাকা তাদের দেবেন, আর যাদের পার্সিয়াল ড্যামেজ হয়েছে, অল্প ড্যামেজ হয়েছে, তাদের লিস্ট প্রশাসনকে আমি রেখে দিতে বলেছি, যখন আমরা 11,00,000 বাড়ির আমরা ক্লিয়ার করে দেবো ডিসেম্বরের মধ্যে ফার্স্ট কিস্তি দিয়ে দেবো, তখন আমরা ওই বাড়িগুলোও করে দেবো যে বাড়িগুলো অল্প অল্প ড্যামেজ হয়েছে, এখনই যারা টাকাটা পাচ্ছেন না কিন্তু তারা ওই স্কিমে চলে যাবেন, এটা আমি মাথায় রাখবো, এটা আপনারা আমাকে ভরসা করতে পারেন, এটা আপনারা করতে পারেন। আর যারা বাড়ি যাদের একেবারে ধূলিসাৎ হয়ে গেছে তারা অলরেডি 20,000 পেয়েছে, সরকার আরও 40,000 দিচ্ছে, এইটা হয়ে গেলে আরও 60,000 পাবে, অর্থাৎ 1,20,000 টাকা করে পাবে, ক্ষতিগ্রস্তদেরও টাকা দেওয়া হয়েছে, মারা গেছে যারা তাদেরও দেওয়া হয়েছে, আমরা যতটুকু পেরেছি আমরা প্রাণপণ সাহায্য করেছি। উত্তরবঙ্গ মনে রাখবেন, এই আলিপুরদুয়ার স্টেশন নতুন করে করা আমার, মনে রাখবেন জলপাইগুড়ি যোগীগোপা একলাকি বালুরঘাট নিউ জলপাইগুড়ি কার্শিয়াং সরি নিউ জলপাইগুড়ি দীঘা নিউ জলপাইগুড়ি অমৃতসর নিউ জলপাইগুড়ি অনেকগুলো তো দিয়েছিলাম আমার ঠিক মনেও নেই এখন, নিউ জলপাইগুড়ি দিল্লি নিউ জলপাইগুড়ি মহানন্দ এক্সপ্রেস, তাছাড়াও উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেস উত্তরকন্যা কাঞ্চনকন্যা পদাতিক দার্জিলিং ট্রেন হেরিটেজ আলিপুরদুয়ার নতুন স্টেশন মাল নতুন স্টেশন মালবাজার থেকে চ্যাংরাবান্ধা মালবাজার নতুন রেলওয়ে লাইন এগুলো সবই কিন্তু আমার করে দেবো, একটা মাথায় রাখবেন। যখন রেলে ছিলাম সব করে দিয়েছিলাম, এখন রাজ্যে আছি যতটা পেরেছি সাধ্যমতো চেষ্টা করে করে দিয়েছি, 100 দিনের টাকা দেয় না এরা, তাই আমরা দিয়েছি, যারা 100 দিনের টাকা দেয় না তাদের ভোট দেবেন কেন? এই বিজেপির নেতারা কি করছিল, এরা গিয়ে বলে আসে দিল্লিকে বেঙ্গলকে রুপিয়া মাত দে না, 100 দিন কা রুপিয়া কা মাত দে না, আবাস যোজনা কা রুপিয়া মাত দে না, চায় বাগান কা রুপিয়া মাত দে না, এই তো চা বাগান বন্ধ করে দিয়েছিল, যেগুলো 5 বিঘে করে করে ছোট ছোট চা বাগান 10,00,000 মজদুর কাজ করত, হাম ইধার মে হ্যায় 15 দিন সে ও লোগোনে মেরে পাস আয়া উসকো চায় পাত্তা লেনে কা বন্ধ কর দিয়া থা,
केंद्रीय सरकार का एक कानून में मैंने उसको खोल दिया। दो दिन का अंदर में 10 लाख मजदूर बच गया। बांगलार बाड़ी हमला कर देव, रास्ता टाइम टू टाइम कर देव, पानी जल आगामी 1.5-2 बचर मध्य सबाई पे जा। একটু কষ্ট হবে জল আনতে, তাছাড়াও 100 দিনের কাজ কেন্দ্রীয় সরকারের দিকে টাকাতে হবে না। মানে খুদ জো জব কার্ড হোল্ডার হ্যায় আপ লোগো কো লিয়ে 50 দিন কা কাম দেনে কে লিয়ে এক কর্মশ্রী প্রোগ্রাম শুরু কিয়া হ্যায়। আগার 50 দিন কা জাগা আপ 60 দিন করে হামারা কোই এতরাজ নেই হ্যায়। ওর নাম থা 100 দিন কা কাম, লেকিন হোতা থা 35 দিন কা। মানে দেখা, বহুত দেখা। লাস্ট ইয়ার মে ভি হাম 45 দিন কা কাম কর দিয়া থা। আপকো ঘাবরানে কা কোই বাত নেই হ্যায়। আপকা চাহে সুখ হো, চাহে দুঃখ হো, চাহে বারিশ হো, চাহে জব ভি হো, হর তরহ আপকো হমকো মিলেঙ্গে আর হমকো ভি আপকো মিলেঙ্গে। হাম চায়ে বাগান মে যাকে খুদ আপনে চায়ে বাগান মজদুর কা ড্রেস পরকে হমনে চায়ে পাত্তি তুলা। হমকো চায়ে পাত্তি তুলনে বহুত আচ্ছা লাগতা হ্যায়। मैंने कविता भी लिखा था, मेरे को एक कविता भी है कि दो कुड़ी एक पता दो कुड़ी इसका नाम है चा सुंदरी। हमको बहुत बढ़िया लगता है। आप लोग अच्छा रहो, कितना अभी टूरिज्म बढ़ रहा है। आप चा बागान में भी 15% टूरिज्म के दिया है। आप लोग का लड़का लड़की काम करेगा, होटल बनेगा, दुकान बनेगा, स्टे होम स्टे बनेगा, सब सारे बनाएंगे। इसी के लिए आप निश्चिंत रहो। और जो आपको लड़का लोग लड़की लोग बाहर में अगर काम करते हैं, आपको स्वास्थ्य साथी मिलता है, माँ बहनों स्वास्थ्य साथी कार्ड मिला, लक्ष्मी भंडार मिला, कन्याश्री मिलता है, ICDS ठीक है, आशा का रुपया बढ़ा, ICDS का बड़ा, BRP का बड़ा, गिन पुलिस का बड़ा, सिविक को बड़ा, पे कमीशन भी 4% दिया जनवरी में, मई महीना में और भी 4% हम उसको अनाउंस किया। हमारा लोको प्रसाद शिल्पी है 2 लाख, उसको भी हम हजार तंका करके देता है। तो इसी के लिए जो किसान है उसको भी 2,000 रुपया करके हम देते हैं। हम चाय बागान को भी हम सोचेंगे, अगर क्रॉप इंश्योरेंस में हम जैसे चासी को हम क्रॉप इंश्योरेंस बिना पैसा में धान के लिए हम करते हैं, शस्य को लिए करते हैं, चाय बागान अगर इसको अंदर में आ जाए तो इसमें अच्छा ही होगा, आपको फायदा हो जाएगा। चाय अगर पत्ता नष्ट भी हो गया तो आपको कोई पैसा नहीं लगेगा, ये पैसा गवर्नमेंट इंश्योरेंस से मिलेगा। लेकिन एक वादा, BJP को जाना है कि नहीं है? तृणमूल कांग्रेस को वोट देना है कि नहीं है? है तो किसको है? देखिए जोड़ा फूल, मेरे को गाय में जो सिंबल है, मेरे को शरीर में ए जोड़ा फूल, भाई बहन का ताड़ा, हम हमारा जो पार्टी है प्रकाश सिंह बड़ी, हम उसको राज्यसभा में भेजा था, वो इतना अच्छा है। वो बोला दीदी हम तो मिट्टी का आदमी है ना, हम चाय बागान में रहने काम करते सकते हैं, हम मिट्टी के लिए करते हैं, हम इसको आवाज खुलेंगे। तो इसी के लिए एक तरह भाई और एक तरह बहन, भाई बहन को मिला के जोड़ा फूल में आपको वोट देना जरूरी है। आपको नया सुबह आने के लिए जोड़ापुर में वोट दीजिए, जैसे लक्ष्मी भंडार रहे, बिना पैसा रेशन मिले, चाय बागान का लोग अच्छा रहे, उसको पट्टा मिलते रहे, कन्याश्री का रुपया मिलते रहे, छात्रोश्री का मिलते रहे, आदिवासी अच्छा रहे, यूथ जनरेशन अच्छा रहे, स्टूडेंट अच्छा रहे, मेधाश्री अच्छा रहे, योग्यश्री अच्छा रहे, स्मार्ट क्रेडिट कार्ड अच्छा रहे, आशा अच्छा रहे, ICDS अच्छा रहे, हमारा हर कम्युनिटी अच्छा रहे। मैं इसी को साथ अलीपुर द्वार का सब आदमी को कहते हैं बहुत बहुत नमस्ते, बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत दंडवत, बहुत बहुत सलाम, जय जौहर। और शादी की ते की बोले शादी थे जोहरी बोले
जय जोहर सबाई के बोले एबारेखने जाखानकार कम्यूनिटी के लिए एक कल्चरल प्रोग्राम कर दी छोट कर जाते एखान साथे जो परि अपन शिखते परि जाते अपन भाषा हमारे आसे आप लोग अच्छा रहिए सुस्थ रहिए और देखना देश को रक्षा करना है ये आजादी का लड़ाई है देश बचाना है बंगाल बचाना है इंसान बचाना है अपना अपना अधिकार बचाना है आपको अधिकार बचाना का लड़ाई है लोकतंत्र बचाने के लड़ाई है अगर ये लड़ाई में आप नहीं लड़ सकते हो तो बीजेपी देश को टुकड़ा टुकड़ा करके बेच दिया है और भी बेच देंगे आने वाला दिन और कोई चुनाव देश में नहीं होगा। मैं इन्हीं शब्दों को साथ मैं हमारा भाई बहन को खड़ा होने कहते हो उसको साथ हम ज्वाइन करेंगे। जय हिंद वंदे मातरम इंशाल्लाह जय जोहार दंडवत नमस्ते चाय बागान को भाई बहन मजदूर को बहुत बहुत नमस्ते।